नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बैन लगाने से किया इनकार। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के विधायक राजा सिंह को मिली सजा, बीजेपी ने पार्टी से निकाला। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को जंगाव पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश पर मचा सियासी बवाल, गंगाजल से धोया गया गर्भगृह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की मुलाकात। भारत में अगले 7 से 10 वर्षों में होंगे 40 करोड़ हवाई यात्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। हालांकि कोर्ट ने अधिकारियों को लाउडस्पीकरों से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम को लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल बेंगलुरु निवासी मंजुनाथ एस हलावर की एक जनहित याचिका पर कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि अजान मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन अजान की आवाज अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 सहनशीलता के सिद्धांत का प्रतीक है, जो भारतीय सभ्यता की विशेषता है। संविधान का अनुच्छेद 25(1) व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि उपरोक्त अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के साथ साथ भारत के संविधान के भाग 3 में अन्य प्रावधानों की तरह आने वाले प्रतिबंधों के अधीन है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के विधायक राजा सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजकर 10 दिन में बयान पर जवाब मांगा है। टी राजा पर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की और उनका अपमान किया। राजा सिंह के बयान से नाराज मुस्लिम समुदाय के लोग हैदराबाद के कई इलाकों में सोमवार शाम से लेकर अब तक प्रदर्शन कर चुके हैं। विरोध प्रदर्शन में सिर तन से जुदा वाले नारे भी लगे। पुलिस टी राजा सिंह को हिरासत में लेकर लोगों से शांति की अपील की। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को जंगाव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी कर रहे बंडी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गिरफ्तार करते समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कार्यकर्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश की। इस अवसर पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। इस झड़प में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जारी है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी तरुण चुग समेत केंद्रीय नेताओं ने गिरफ्तारी की जानकारी के लिए बंडी संजय को फोन किया। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर में सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। वहां मंदिर के गर्भगृह में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। वहीं उनके साथ बिहार के सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी भी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए। बहरहाल इसराइल मंसूरी के मंदिर में प्रवेश का मामला गर्मा गया। मंदिर से जुड़े पंडा समाज में इसे लेकर गुस्सा है। मंदिर को फल्गु के जल, गंगा जल से धोया और शुद्धिकरण किया गया, जिसके बाद भगवान को भोग लगाया गया। इस मामले में विष्णुपद मंदिर प्रबंधक कारिणी के अध्यक्ष शंभुलाल विठल ने कहा है कि गैर हिंदू के प्रवेश न करने की परंपरा को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है कि अहिंदू प्रवेश निषेध है, फिर भी मंदिर के गर्भगृह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद मंसूरी का प्रवेश करना पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कांग्रेस की ओर से इस मुलाकात को शिष्टाचार और औपचारिक मुलाकात बताया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ये मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वह शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली सबसे कम उम्र की और पहली आदिवासी हैं। वह ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म देश की आजादी के बाद हुआ है।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ तेलंगाना भाजपा विधायक राजा सिंह की विवादास्पद टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने राजा सिंह के बयान को बेहद निंदनीय करार दिया है। मायावती ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी विधायक पर निशाना साधा है, साथ ही भाजपा नेतृत्व को अपने नेताओं पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि नुपुर शर्मा के भाजपा से निलंबित इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर देश भर में गर्मा गर्म माहौल अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। इसी बीच एक अन्य भाजपा नेता ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है जो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। मायावती ने ट्वीट किया कि हालांकि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में बीजेपी के एक विधायक को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या यह भाजपा नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह अपने लोगों को नियंत्रण में रखे और देश में अमन चैन कायम रखे और विदेशों में भारत की छवि खराब होने से बचाए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर 9945283920, 8482127। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उमरा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस,
पवित्र स्थानों के ज्यारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर हैदराबाद। फोन नंबर्स 0402456 5786 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1 इंडस्ट्रियल इस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 0848222701। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि भारत में अगले 7 से 10 वर्षों में कुल 40 करोड़ से अधिक हवाई यात्री होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू एयरलाइंस के लिए वृद्धि के जबरदस्त अवसर हैं और इन कंपनियों के पास 5 वर्षों में कुल 1200 विमानों का बेड़ा होने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 7 से 10 वर्षों में दुगनी होकर 40 करोड़ होने की उम्मीद है। महामारी से पहले भारत में हवाई यात्रियों की संख्या करीब 20 करोड़ थी। उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में सिंधिया ने कहा कि देश में 2026 तक हेलीपोर्ट और एरोड्रोम सहित कुल 220 हवाई अड्डे होने का अनुमान है। बिस्तर पर पड़े एक बुजुर्ग ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक भावनात्मक पल शेयर किया जब परिवार ने उसे खुश करने के लिए भांगड़ा डांस किया। आईपीएस अधिकारी HGS धालीवाल द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में परिवार पंजाबी गायक शहरीमान द्वारा 3 पैक की धुन पर डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही कैमरा बाई ओर जाता है, हम एक कमजोर और बीमार बुजुर्ग शख्स को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं। उन्हें खुश करने के लिए छोटे और बड़े सभी एक साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वह गाने की धुन पर हाथ हिलाते हैं और मुस्कुराते हैं। जनपद शामली के कैराना नगर में स्थित प्राचीन बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय कश्यप युवा समाज सेवा समिति के तत्वाधान में नवम प्रतिभाग अलंकार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शहीद सत्येंद्र कश्यप के पिता मुन्ना सिंह व वरिष्ठ अतिथि चरतवाल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय कश्यप की पत्नी सपना कश्यप रहे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ उप निरीक्षक राधेश्याम ने कहा कि कोई भी समाज तभी विकास करता है जब समाज में फैली तमाम कुरीतियां समाप्त हो तथा समाज शिक्षित हो। इसीलिए कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज को जागरूक करने के साथ ही अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। मुन्ना सिंह व सपना कश्यप ने कहा कि शिक्षा समाज में उजियारा फैलाती है। शिक्षा ही ऐसा धन है जो फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, इसलिए शिक्षा बेहद जरूरी है। शिक्षा से ही समाज का उत्थान भी होगा। उन्होंने छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन करने तथा राष्ट्र सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों कश्यप समाज के लोग मौजूद रहे। जनपद शामली, उत्तर प्रदेश से KP News के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के तहसील चंदौसी के तहसीलदार चंदौसी मोनलिसा जौहरी को शिकायत मिली कि ग्राम विचेटा काजी तहसील चंदौसी में गाटा संख्या 959 जो कि राजस्व अभिलेखों में चार मार्ग के नाम दर्ज है, पर ग्राम के ही श्री हरद्वारी पुत्र राम प्रसाद ने चकमार्ग पर 40 वर्ग मीटर पर आवास बनाकर पक्का निर्माण कर रखा है। शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने वाली तहसीलदार चंदौसी तत्काल राजस्व टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंच गई, जहां पर तत्काल कार्यवाही करते हुए तहसीलदार चंदौसी ने अवैध कब्जेदार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जे पर 50,650 रुपए का जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया तथा आज मौके पर सरकारी चकमार्ग पर बने बक्के निर्माण मकान को जेसीबी से ध्वस्त कराकर सरकारी चकमार्ग को कब्जा मुक्त करा दिया गया। तहसीलदार की कार्यवाही से अवैध कब्जेदार में हड़कंप मच गया। तहसीलदार ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करेगा तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। एलोपैथ के खिलाफ बोलने पर बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सीजीआई एनवी रमना ने कहा कि बाबा रामदेव डॉक्टरों पर एलोपैथी आदि का आरोप क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया है जो अच्छा है, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि वह जो उनका अनुसरण करेगा वह सब कुछ ठीक कर देंगे? बाबा रामदेव इस तरह व्यवस्था की आलोचना क्यों कर रहे हैं? जस्टिस सीटी रवि कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे एलोपैथी का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। आईएमए ने आरोप लगाया है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान और आधुनिक एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। निर्देशक अक्षत अजय शर्मा की आने वाली फिल्म हड्डी दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा रही है। मेकर्स ने जबरदस्त तरीके से इस फिल्म की घोषणा करते हुए इसका मोशन पोस्टर जारी कर दर्शकों को चौंका दिया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पहले मोशन पोस्टर में उन्हें कभी न देखे गए अवतार में दिखाया गया है। फिल्म से सामने आया नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पहला लुक दर्शकों को काफी प्रभावित कर रहा है। फर्स्ट लुक में नवाजुद्दीन एक महिला के रूप में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट लुक में उन्हें पहचाना नामुमकिन लग रहा है। फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बैन लगाने से किया इनकार। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के विधायक राजा सिंह को मिली सजा, बीजेपी ने पार्टी से निकाला। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को जंगाव पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश पर मचा सियासी बवाल, गंगाजल से धोया गया गर्भगृह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की मुलाकात। भारत में अगले 7 से 10 वर्षों में होंगे 40 करोड़ हवाई यात्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही ये बात। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।